नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी विद डॉक्टर गजेंद्र में। दोस्तों, अभी क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम कम है वीडियो लेक्चर बनाने के लिए, इसलिए मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिससे आपकी दिमाग की एक्सरसाइज बहुत अच्छी होगी और आपको अच्छा भी लगेगा डेफिनेटली, क्योंकि ये क्वेश्चंस वास्तव में इनका लेवल बहुत अच्छा है। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस बोटनी के हैं, केवल 10 क्वेश्चंस हैं और 10 क्वेश्चंस से आपको ऐसा लगेगा इनको अटेम्प्ट करने से कि हाँ, आपने आज कुछ गेन किया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इन फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स थ्रू कैरियर ऑर्गेनाइज्ड इन जेड स्कीम, द फॉलोइंग आर इंडिकेटेड एज डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। मतलब आपने जो फोटोसिंथेसिस का जेड स्कीम पढ़ा है, ठीक है, जेड स्कीम मतलब जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ा था आपने, नॉन साइक्लिक वाला, ठीक है, अचक्रिय, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो कहाँ से कहाँ जाता है वो देखना है। तो पहला ऑप्शन इसमें है P680, यहाँ से जाएगा PQ के पास, PQ से जाएगा PQB, PQA, PQB, ठीक है, मतलब एक तो फास्ट प्लास्टोक्विनोन है और एक प्लास्टोक्विनोल है। उसके बाद जाएगा साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के पास, ये B6F कॉम्प्लेक्स बोल दो, फिर फियोफाइटिन के पास, फिर PC के बाद फिर क्या होगा, P700 के पास, ठीक है। बी ऑप्शन है कि पहले जाएगा P700 के पास, फिर A0 या A0, फिर A1, फिर आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, या एक्स नहीं है इसके अंदर ध्यान रखना, फिर आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स नेक्स्ट अलग है जो, फिर तीसरा आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स बी, उसके बाद फेरेडोक्सिन, ठीक है। तीसरा देखना आपको कि पहले P680, फिर फियोफाइटिन, फिर प्लास्टोक्विनोन, फिर प्लास्टोक्विनोन बी, फिर साइटोक्रोम BX कॉम्प्लेक्स, फिर प्लास्टोसाइनिन एंड देन प्लास्टो P700, और लास्ट वाला है डी P700, फिर A1, फिर A0, फिर FES, फिर FES, फिर FESX, फिर FD। तो आप इसमें देखोगे कि सही ऑप्शन कौन सा है। तो अब देखो, इसमें आप देखोगे पहला वाला जो P680 के बाद में क्या होता है कि PQ के पास डायरेक्ट नहीं जाता, पहले फियोफाइटिन के पास जाता है, ये आपने पढ़ा होगा शायद, है ना, वीडियो लेक्चर देखना उसमें आपको दिख जाएगा कि P680 के बाद फियोफाइटिन के पास जाता है, फिर PQA या PQB के पास जाता हुआ और लास्ट में P700 तक जाएगा। मतलब ए ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन सही है, और सी ऑप्शन सही है। अब हमें देखना दूसरा वाला बी ऑप्शन आप देखोगे जिसमें P700 के बाद A0, फिर A1, फिर FEX, मतलब आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स X AB से जाता हुआ फिर रेडॉक्सिन तक जाएगा, तो ये भी सही है। लेकिन जो आप डी देखोगे, डी में पहले A1 है फिर A0 है, तो ये गलत है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हो गया सही, आंसर कौन सा हो गया इसमें, बी, मतलब टू, बी और सी, सही ऑप्शन कौन सा हुआ, बी और सी। अब देखो, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, मतलब जो देख रहे हो वीडियो, पहले क्वेश्चन पढ़ें फिर उसके बाद अपना आंसर दें, कमेंट बॉक्स में दो या फिर कैसे भी, जैसे आप अपने रफ कॉपी रख लीजिए उसमें आप इसका आंसर दे दीजिए कि इसका आंसर ये होगा, उसके बाद फिर आप मेरे आंसर से मैच करिए, देखिए कितने सही होते हैं, और उस कितने सही होते हैं वो कमेंट करना, कमेंट वही करेगा जो जिनके क्वेश्चंस 5-10 में से 5 कम से कम सही हो, वही कमेंट करें, ठीक है। बाकी की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि 5 से ज़्यादा कोई दे नहीं पाएगा आंसर। सेकंड है, मोस्ट मेंबर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स फाइलम एंथ्रो सीरोफाइटा आर कैरेक्टराइज बाय, जो ब्रायोफाइट आपने सुना है जिसको हम एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, उन ब्रायोफाइटा में जो एंथ्रो सीरोफाइटा जो है वो, उसके क्या लक्षण है। तो इसमें आप देखोगे गेमेटोफाइट विद सिंगल क्लोरोप्लास्ट पर सेल, ठीक है, एंड मल्टी सेलुलर राइजोट्स स्पोरोफाइट विदाउट स्टोमेटा। तो इसमें देखो, ये फर्स्ट लाइन तो ठीक है, गेमेटोफाइट विद सिंगल क्लोरोप्लास्ट पर सेल, लेकिन मल्टीपल राइजोट्स गलत है, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेकेंड है गेमेटोफाइट विद सिंगल क्लोरोप्लास्ट पर सेल एंड यूनिसेलुलर राइजोइड्स, हाँ इसमें यूनिसेलुलर राइजोट्स होते हैं, एंड स्पोरोफाइट विद स्टोमेटा, हाँ स्टोमेटा मतलब रंध्र, स्पोरोफाइट होता है उसमें रंध्र पाए जाते हैं। देखो इसमें ये पूरा आंसर सही जा रहा है, लेकिन अपन दो ऑप्शन और देख लेते हैं, हो सकता है कि उसमें कुछ हो। तो गेमेटोफाइट विद मल्टीपल क्लोरोप्लास्ट गलत है, ये तो यही गलत हो गया।
फिर नेक्स्ट है गेमिटोफाइट विद सिंगल क्लोरोप्लास्ट पर सेल एंड मल्टी सेलुलर राइजोट्स, ये भी गलत है। तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो भी एकदम करेक्ट है, गेमिटोफाइट विद सिंगल क्लोरोप्लास्ट पर सेल। एक गेमिटोफाइट जो होता है, गेमिटोफाइट का मतलब होता है युग्मकोशविद, ठीक है, उसमें एक ही क्लोरोप्लास्ट होगा और उसके जो राइजोट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं मूल रोम टाइप में, ठीक है, वो होते हैं एक कोशिकीय, और स्पोरोफाइट होता है उसमें स्टोमेटा होता है। तो ध्यान रखना ये एंथोसिरोपसाइटा के मेन जो लक्षण है वो हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन, द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट अबाउट पाइरूवेट काइनेज। देखो पाइरूवेट काइनेज के बारे में आपने पढ़ा होगा, कहाँ पढ़ा था आपने, आपने पढ़ा होगा ज़रूर ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। तो उसमें हम देखते हैं इसके क्या क्या स्टेटमेंट हैं। एटीपी इज एन एलोस्टेरिक इनहिबिटर ऑफ पीकेजी। देखना आप, एलोस्टेरिक मतलब एटीपी इसको इनहिबिट करता है, एटीपी पाइरूवेट काइनेज की एक्टिविटी को रोकता है। क्या रोकता है, देखिए फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट इज एन एक्टिवेटर ऑफ पीकेजी। इसमें भी आप देखो अभी, तो चलो आगे। उसके बाद नेक्स्ट है एडीपी एज एन एलोस्टेरिक इनहिबिटर ऑफ पीके, और लास्ट है एलेनिन इज एन एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर ऑफ पीके। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, प्रोडक्ट जो होते हैं वो हमेशा इनहिबिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एटीपी इज एन एलोस्टेरिक इनहिबिटर है पीके का, ये एकदम सही है, ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा है फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट, ये एक सबस्ट्रेट है, समझे, ये प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए ये जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इसकी एक्टिविटी बढ़ेगी। तो दूसरा ऑप्शन भी सही है, एडीपी एक प्रोडक्ट नहीं है, एडीपी एक सबस्ट्रेट है, इससे इनहिबिट नहीं एक्टिव होगा, तो सी ऑप्शन गलत है। और चौथा कौन सा है, एलेनिन इज एन एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर पीके, हाँ ये अमीनो एसिड है जो पाइरूवेट काइनेज जो होता है उसकी एक्टिविटी को मॉड्यूलेट करता है, बढ़ाता है। तो यहाँ पर सी गलत है, ए बी और डी सही है, मतलब आंसर क्या हो गया, 2, ठीक है। एनलिस्टेड बिलो आर डिफरेंट टाइप ऑफ आर एन ए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दो कॉलम दिए गए हैं, कॉलम ए कॉलम बी, ये लो। इसमें एक तरफ तो दे रखा आर एन ए के बारे में, दूसरी तरफ दे रखा है उसके फंक्शंस के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आप देखोगे, हम फंक्शंस देखते हैं क्योंकि इसे मैच करना अपन को। फंक्शन क्या है, टर्न ऑफ जीन एक्सप्रेशन बाई डायरेक्टिंग डिग्रेडेशन ऑफ सेलेक्टिव एम आर एन एज, मतलब एम आर एन ए जो होते हैं उनका चयनात्मक रूप से डिग्रेडेशन करना, मतलब उसको ख़त्म करना, ये कौन करता है, तो ये होता है दोस्तों siRNA, स्मॉल इंटरफेरेंस RNA, ये mRNA को तोड़ देता है, ठीक है। हालांकि ये लेक्चर मैंने पढ़ाया नहीं है, तो फिर भी आप ध्यान देना, RNA जो ये सारे RNA जो होते हैं यूकेरियोट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा है रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन बाय ब्लॉकिंग ट्रांसलेशन ऑफ सेलेक्टिव mRNA। अब यहाँ पे क्या देखोगे आप, यहाँ पर miRNA का फंक्शन है, इन दोनों में डिफरेंस यही है, एक स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए, एक माइक्रो आरएनए, एमआई मतलब माइक्रो आरएनए, माइक्रो आरएनए ब्लॉक कर देता है ट्रांसलेशन को। हालांकि ऐसा आरएनए ब्लॉक करता है, लेकिन ऐसा आरएनए कैसे ब्लॉक करेगा, वो एमआरएनए को तोड़ ही देगा, टुकड़े टुकड़े कर देगा एमआरएनए का, जबकि एमआरएनए जो होता है मैसेंजर आरएनए होता है उसको ऐसा आरएनए टुकड़े में तोड़ देता है, जबकि एमआईआरएनए उस एमआरएनए से जाके जुड़ जाएगा, जुड़ने से राइबोसोम को जाने से रोकेगा और ट्रांसलेशन रुक जाएगा। तीसरा फंक्शन क्या है इसमें, फंक्शन ऑफ इन ए वेराइटी ऑफ प्रोसेस इंक्लूडिंग स्प्लाइसिंग ऑफ पी एम आर एन ए। ये आपने स्प्लाइसिंग पढ़ी होगी, जिसमें मैंने बताया था एस एन आर एन ए होता है स्मॉल न्यूक्लियर आर एन ए, मतलब ये किससे मैच कर रहा है, ए से। इसी तरह लास्ट में है यूज टू प्रोसेस एंड केमिकली मॉडिफाइड आर एन ए, आर आर एन ए को मॉडिफाइड करने वाला एस एन ओ आर एन ए, स्मॉल न्यूक्लियोलर आर एन ए, ये क्या करता है, आर आर एन ए मतलब न्यूक्लियोलर से नाम समझ जाओ आप, न्यूक्लियोलर मतलब जो न्यूक्लियोलस के अंदर है, मतलब केंद्रिका के अंदर है, और केंद्रिका के अंदर आर आर एन ए बनते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, डी का 4th। आप देखोगे करेक्ट कॉम्बिनेशन देखना है, तो इसमें करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा बी, ए का 3, बी का 1, सी का 2nd और डी का 4th, ठीक है। मुझे लग रहा है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे, जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है उनको तो बहुत अच्छे लगे होंगे, जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा उनके ऊपर से जा रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग CO2 एसिमुलेशन इन हायर प्लांट्स, मतलब CO2 एसिमुलेशन मतलब जो फोटोसिंथेसिस की अप्रकाशिक या लाइट डार्क रिएक्शन होती है उसके बारे में बोल रखा है कि CO2 का फिक्सेशन जो होता है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, वो पढ़ लेते हैं अपन। द एक्शन ऑफ एंडोलाइज एंजाइम ड्यूरिंग केल्विन बेंसन साइकिल प्रोड्यूस फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट, बनता है ये, चलो दिमाग लगाओ।
सेकेंड द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइसिन टू सीरीन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया ड्यूरिंग सी टू ऑक्सीडेशन फोटोसिंथेटिक कार्बन साइकिल, ठीक है। ठीक, तीसरा है ड्यूरिंग सी फोर कार्बन साइकिल एन ए डी मेलिक एंजाइम रिलीजेस द सी ओ टू फ्रॉम द फोर कार्बन एसिड मेलेट यील्डिंग सी थ्री कार्बन पायरुविक एसिड। क्या ये बनता है, मतलब ये ऐसे कहना चाह रहा है कि जो मेलेट से क्या पायरुवेट बनता है, कौन सा एंजाइम, एन ए डी मेलिक एंजाइम जब रिलीज होता है तब, ठीक है। ये आपको पता है इसका, ये मतलब पूरा सी फोर साइकिल की बात हो रही है कि मेलेट से पायरुवेट बनता है क्या। एक और है मेलिक एसिड ड्यूरिंग क्रेसिलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म जो सी ए एम पाथवे होता है उसमें क्या माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मैं आंसर देता हूँ आपको, डी तो बिल्कुल गलत है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ना होकर वो कहाँ होता है, रिक्तिका वैक्यूल के अंदर होता है, तो डी तो वैसे ही गलत है। सी सही है एकदम, क्योंकि सी में जो होता है जो हमेशा जो मेलेट से क्या बनता है पायरुवेट बनता है तीन कार्बन वाला, और जो एक कार्बन होता है वो सी थ्री साइकिल में चला जाता है। सी फोर साइकिल की बात हो रही है, सी फोर साइकिल में सी थ्री साइकिल भी होता है। सेकंड है कन्वर्जन ऑफ ग्लाइसिन, हाँ ये बिल्कुल आपने पढ़ा होगा सी टू साइकिल के अंदर, तो उसमें होता है ये। और फर्स्ट वाला जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो दोस्तों एल्डोलोज है ये फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट को तोड़ता भी है, कहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस के अंदर और सी थ्री साइकिल के अंदर। ये दोनों जो बनते हैं ना DHAP आपने सुना हो, डाईहाइड्रोक्सीसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरेडिएट 3 फॉस्फेट, उनके अंदर ये क्या होता है, ये बनता है, मतलब उनके अंदर ये दोनों मिलके ग्लिसरेडिएट 3 फॉस्फेट एंड DHAP दोनों मिलकर फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोलेज। तो ये बिल्कुल रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ABC मतलब फर्स्ट आंसर हो गया इसका। देखो मैं फिर कह रहा हूँ आपको, जो क्वेश्चंस हैं वो आपको पहले अटेम्प्ट करना है, उसके बाद आपको मेरा मतलब ये देखना है। हो सके तो आप पूरा वीडियो एक बार म्यूट करके देख लो, मतलब म्यूट करके देख लो कि मतलब क्वेश्चंस को देख लो, एक बार पढ़ लो म्यूट करके, मेरी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, फिर आप आंसर दे दो। उसके बाद फिर इस वीडियो को आप दोबारा देखिए कि मैं किस तरह से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एग्जाम्पल्स ऑफ मैनी फैक्टर दैट रेगुलेट द हाइट ऑफ रेस्पॉन्स हाइट रेगुलेट प्लांट हाइट इन रेस्पॉन्स टू जिब्रेलिक एसिड आर लिस्टेड बिलो। जिब्रेलिक एसिड कैसे कर, देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टफ कैटेगरी में आता है, अगर आपको, क्योंकि ये थोड़ा मोलिकुलर लेवल है और ये क्वेश्चन है, ये नेट JRF के टाइप के क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा नेट में जो JRF होते हैं रिसर्च लेवल के क्वेश्चन में आता है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक बार देखना ही है, इसमें ये क्वेश्चन आप अटैम्प्ट ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके बोनस मार्क्स है ये मान लो, ये सिर्फ क्योंकि नेट JRF वाले बच्चों के लिए है। बाइंडिंग ऑफ ए जिब्रेलिक एसिड बाउंड रिसेप्टर टू द प्रोमोटर ऑफ DELLA डेला रिसेप्टर बोल दो, डेला डोमेन बोल दो, कंटेनिंग GRAS प्रोटीन जीन एंड ब्लॉकिंग इट्स एक्सप्रेशन। मतलब ये जब ये जिब्रेलिक एसिड बाइंड होता है, ठीक है, डेला डोमेन से, तो क्या ये इसके एक्सप्रेशन को रोक देता है, ठीक है, क्या रोकता है, देखो मेरी नॉलेज में ये रोकता नहीं है, ये बढ़ाता है। सेकंड बाइंडिंग ऑफ GA रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स टू GRAS, हाँ इससे बाइंड होता है, ठीक है, डायरेक्टिंग GRAS फॉर यूबिक्यूटिनाइजेशन एंड डिग्रेडेशन बाय द 26S प्रोटीओसोम। देखो आपने यूबिक्यूटिन प्रोटीन जो होती है वो आके इससे जुड़ती है, ध्यान रखना, और इसका काम यही होता है किसी प्रोटीन को तोड़ने का। तो आपने जैसे हाई लेवल में पढ़ा होगा यूबिक्यूटिनाइजेशन क्या होता है, किसी भी प्रोटीन को तोड़ना होता है वहाँ पर यूबिक्यूटिन आके जुड़ जाती है, फिर एक प्रोटीओसोम कॉम्प्लेक्स होता है वो आके उसको तोड़ देता है। तो क्या ये होता है कि हाँ ज़रूर ये होता है। माइक्रो RNA डायरेक्टेड डाउन रेगुलेटिंग द GRAS प्रोटीन एक्सप्रेशन, नहीं ये एक्सप्रेशन माइक्रो RNA नहीं करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो गया, बी और सी मतलब सेकेंड। देखो इस क्वेश्चन को आप, ये क्वेश्चन थोड़ा है ये थोड़ा टफ में आता है तो आप थोड़ा इसको देख लेना। टू सिबलिंग्स मतलब दो जो सिबलिंग जानते हो आप लोग, सिबलिंग मतलब जो जुड़वा होते हैं, हु इनहेरेंट 50% ऑफ द जीनोम फ्रॉम द मदर एंड 50% ऑफ द फादर शो अ लॉट ऑफ फिनोटाइप डिफरेंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस ऑफ द पेरेंट विल मैक्सिमली कंट्रीब्यूट टू द डिफरेंस टू दिस डिफरेंस। मतलब जो सिबलिंग होते हैं, ठीक है, उनमें 50% तो किसके गुण आ गए, माता के, कुछ 50% किसके आ गए, पिता के। तो ये क्यों होता है और कौन से स्टेज में होता है ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस के अंदर, तो हमें पता है गैमेटोजेनेसिस के अंदर मियोसिस होता है, मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है पेचीटिन अवस्था में या पेकाइटिन अवस्था में,
ठीक है, पैकेटिन अवस्था में जो क्रॉसिंग ओवर होता है उससे ही वेरिएशन से विभिन्नताएँ आती है, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, और रिकॉम्बिनेशन की डेफिनेशन है एक्सचेंज ऑफ डीएनए सेगमेंट बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम नोन एज रिकॉम्बिनेशन। दो समझौत गुणसूत्रों के बीच में डीएनए का आदान प्रदान क्या कहलाता है? रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। इसका आंसर रिकॉम्बिनेशन है, जिसको हम क्रॉसिंग ओवर भी कह देते हैं। ये क्वेश्चन अब देखना इजी है, लेकिन आप फिर भी कई लोग गलत कर देते हैं इसको भी। इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ड्यूरिंग न्यूट्रिएंट साइकिल इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में देखो, एक तो नाइट्राइट से नाइट्रेट बनता है, नाइट्रोजन से अमोनिया बन रहा है, अमोनिया से अमोनियम से फिर नाइट्राइट बन रहा है, और नाइट्रेट से नाइट्रोजन बन रहा है। ये चार रिएक्शन दे रखी है, तो उनमें कौन कौन से जीवाणु हैं या कौन कौन से हम बोलेंगे बैक्टीरिया हैं? तो इसमें आप देखोगे, सबसे पहले जो नाइट्राइट से नाइट्रेट बन रहा है ये कौन करता है? नाइट्रोबैक्टर, ध्यान रखना। नाइट्रोबैक्टर क्या करता है? तो ये इसका आंसर हो गया ए का, मतलब इसका चलो पहले बता देता हूँ मैं, ए में क्या आएगा? नाइट्रोबैक्टर आएगा। फिर दूसरा है नाइट्रोजन से अमोनिया, मतलब नाइट्रोजन का फिक्सेशन कौन करता है? राइजोबियम करता है। अब राइजोबियम इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो नोस्टोक भी करता है, ध्यान रखना। ये एक नील हरित या ब्लू ग्रीन एल्गी है, नील हरित शैवाल बोल देते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी इनको कह देते हैं। तो ये नाइट्रोजन से अमोनिया बनाते हैं नोस्टोक। तो अब इसमें आप ऑप्शन देखोगे तो सी ऑप्शन सही जा रहा है। आगे और पढ़ लेते हैं एक बार। अमोनियम जो होता है उससे नाइट्रेट बनना, मतलब ये कौन कर रहा है? नाइट्रोसोमोनास। देखो, नाइट्रोजन से अमोनिया नोस्टोक या राइजोबियम बोल दो, ठीक है, अमोनिया से नाइट्रेट नाइट्रोसोमोनास, नाइट्राइट से नाइट्रेट नाइट्रोबैक्टर, और अब हम उस नाइट्रेट से वापस नाइट्रोजन बनाएं वो है स्यूडोमोनास। इसको हम बोलते हैं डी नाइट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं? वी नाइट्रीकरण, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू प्लांट टिश्यू कल्चर। कौन कौन से स्टेटमेंट है जो प्लांट टिश्यू कल्चर से रिलेटेड है? फ्राइबल केलस प्रोवाइड द इनोकुलम टू फॉर्म सेल सस्पेंशन। इनोकुलम आप समझते ही हो, इनोकुलम मतलब एक छोटा सा पीस है, छोटा सा, जैसे इनोकुलम आप जैसे दूध से दही बनाते हैं, तो उसमें से हम थोड़ा सा दही ले लेते हैं ताकि उस दूध में डाल सकें, तो उस थोड़े से दही की मात्रा को बोलते हैं हम इनोकुलम, ठीक है। वैसे ही इनोकुलम हम एक फ्राइबल केलस का एक छोटा सा टुकड़ा भी ले सकते हैं जिसको हम कल्चर में डाल दो। तो ये पहला पॉइंट सही है। द प्रोसेस नॉन एज हैबिचुएशन रेफर टू द प्रॉपर्टी ऑफ केलस लूजिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन और साइटोकाइन ड्यूरिंग द लॉन्ग टर्म कल्चर। हाँ, ये हैबिचुएशन मतलब एक तरह से आदत पड़ जाना। तो उसमें क्या है कि शुरू में तो जरूरत पड़ती है, लेकिन बाद में जब उसको हम मिनिमल मीडिया प्रोवाइड कराएंगे तो उसकी आदत बिना ऑक्सीजन और साइटोकाइन के भी थोड़ी थोड़ी वृद्धि करने लग जाएगा। डी ऑप्शन एकदम सही है। सेलुलेज देखो एंजाइम है ये, सेलुलेज एंड पेक्टिनेज एंजाइम आर यूजली यूज टू जनरेट प्रोटोप्लास्ट कल्चर। जी हाँ, प्रोटोप्लास्ट होता ही क्या है कि सेल वॉल के अलावा जो सेल का जो पार्ट होता है, कोशिका का वह भाग जिसमें सेल वॉल नहीं हो, ऐसी कोशिका जिसमें सेल वॉल नहीं हो, तो बचाव भाग क्या कहलाता है? प्रोटोप्लास्ट। तो सेल वॉल हटाने के लिए पेक्टिनेज और सेलुलेज दो एंजाइम काम आते हैं, तो ये भी सही है प्रोटोप्लास्ट कल्चर के लिए। और डी ऑप्शन है ड्यूरिंग सोमेटिक एम्ब्रियो डेवलपमेंट टॉर्पिडो स्टेज एम्ब्रियो इज फॉर्म बिफोर द हार्ट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, टॉर्पिडो से पहले क्या हार्ट स्टेज बनती है? नहीं, हार्ट बाद में बनती है भाई साहब, टॉर्पिडो से पहले हार्ट नहीं, हाँ सही है, हार्ट बाद में बनती है। तो ये ऑप्शन डी इसका गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए, मतलब ए बी सी वन आंसर हो गया इसका, उसमें तीनों ऑप्शन सही है, ए बी और सी। लास्ट है ए स्टूडेंट नोटेड द फॉलोइंग पॉइंट्स रिगार्डिंग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ये कौन सा है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम आता है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, थोड़ा देख लेते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस इज ए ग्राम नेगेटिव सोइल बैक्टीरिया। हाँ, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो मृदा या सोइल के अंदर पाया जाता है, एकदम सही है। सेकंड ऑप्शन है ओपाइन कैटाबोलिज्म जनरेट जीन्स आर प्रेजेंट इन टी डीएनए रीजन ऑफ टी आई प्लाज्मिड। नहीं नहीं नहीं, टी डीएनए में ये ओपाइन वाले जीन नहीं होते, ये कुल प्लाज्मिड के अंदर, टी आई प्लाज्मिड में तो होते हैं लेकिन टी डीएनए वाले पार्ट में नहीं होते हैं। तो बी ऑप्शन इसका गलत है।
ओपाइंस आर सिंथेसाइज बाय कॉन्डेंसेशन ऑफ अमीनो एसिड एंड अल्फा कीटो एसिड्स और अमीनो एसिड्स एंड शुगर। हाँ ये एकदम सही है, अमीनो एसिड का सिंथेसिस होगा फिर आपस में कॉम्बिनेशन करके ओपाइन का फॉर्मेशन करेगी। देन अ केलस कल्चर ऑफ क्राउन गॉल टिश्यू कॉज्ड बाय ट्यूबिफेसिएसिस प्लांट कैन बी मल्टीप्लाइड विदाउट एडिंग फाइटो हार्मोन्स। जी हाँ, क्राउन गॉल डिजीज में यही तो होता है, जैसे कैंसर होता है हमारे अंदर, वैसे ही ये क्राउन गॉल डिजीज प्लांट्स के अंदर होती है, ठीक है, जिसमें एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसिएंस बैक्टीरिया जो होता है वो अनकंट्रोल्ड रूप से क्या करता है, कोशिकाओं की वृद्धि करता है, इसे हम बोलते हैं क्राउन गॉल डिजीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे कोई भी मतलब फाइटो हार्मोन की ज़रूरत नहीं होती। डी ऑप्शन एकदम सही है। तो ऑप्शन क्या हो गया सही इसका, सही ऑप्शन कौन सा हुआ, 4 A, C और D, ठीक है दोस्तों। तो ये 10 क्वेश्चंस हो गए, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, अगर गलत लगा हो डिसलाइक करिए, डिसलाइक क्यों किया इसको कमेंट करिए, अगर और अच्छा लगा हो तो शेयर करिए। और अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस और चाहिए तो मैसेज करिए, कमेंट करके बताइए कि सर हाँ ये क्वेश्चंस हमें अच्छे लगे और हमें इस क्वालिटी के और क्वेश्चंस चाहिए, क्योंकि जो मैं क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, ये क्वेश्चंस मैंने जो आपको दिए हैं, ये क्वेश्चंस आपको बुक्स के अंदर नहीं मिलेंगे या बहुत कम मिलेंगे, बहुत मतलब चांसेस कम है मिलने के, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस ये वे क्वेश्चन है जिसके लिए आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, एक क्वेश्चन को समझने के लिए आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, उस टॉपिक को पूरा ही पढ़ना पड़ेगा तब जाके आपसे ये क्वेश्चन होगा, समझ में आ रहा है। इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, अगर आपको ये सीरीज़ कंटिन्यू करनी है तो कमेंट करके बताइए कि सर अच्छा लग रहा है और ऐसे क्वेश्चन हमें और दीजिए नीट लेवल पे, क्योंकि ये तो हर तरह हर एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। नीट में इतना लेवल नहीं आएगा, लेकिन नीट को क्लियर करने के लिए, क्योंकि हम जब तक टफ़ क्वेश्चंस को सोल्व करने की हमारी कैपेसिटी नहीं है तो हम इजी क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। मतलब इजी क्वेश्चन टफ़ क्वेश्चन सोल्व करेंगे तभी तो इजी होंगे, मेरा मतलब उल्टा मत समझ लेना आप कि भाई इजी करने, इजी तो आप कर ही लेते हो लेकिन इजी में आप क्वेश्चन को रट लेते हैं कई बार। इजी क्वेश्चन क्या होता है कि हमें कंसेप्ट अच्छी तरह समझ में आ रहा है तो वो क्वेश्चन ईजीली हो जाएगा हमसे, उसे हम ईजी बोल देते हैं, ठीक है। कई बार हम रट के भी दिया था एग्ज़ाम। तो नीट लेवल में आपको समझना भी है, एम्स लेवल क्वेश्चंस इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो चलो ठीक है, बातें तो ज़्यादा करनी नहीं है। आपको वीडियो अच्छा लगे और ये सीरीज़ कंटिन्यू करनी है तो कमेंट कर देना, नहीं करनी है तो मैं इसको आज यहीं से वापस ख़त्म कर दूँगा और अपना वीडियो लेक्चर जो बना रहा हूँ वो बनाता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।